दोस्तों आज की इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे अपने इस कमांड प्रॉम्प्ट के कोर्स में। तो सीएमडी को हम ओपन कर लेते हैं और इसमें हम आज जो है सीखेंगे थोड़े बहुत और कमांड जो कि आपका बेसिक क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा। सो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अविरुद्ध टेक यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक का जो वीडियो हो चुका है वो हमारा काफी आगे आ चुके हैं हम कमांड प्रॉम्प्ट में। अगर आप इस वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पुराने वीडियोज को एक बार वॉच कर लीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आपका जो है थोड़ा बहुत अगर आपको CMD आता होगा तो ठीक है, नहीं तो जो पीछे की चीजें हैं वो आपको आनी जरूरी है। उसके बाद ये आगे की वीडियोस आप देखोगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। अगर आप जो है सिंपल वैसे अगर आपका कोई एक छोटा सा काम था उसके लिए आप वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो तो अभी आज के इस वीडियो में हम जो है देखेंगे कि किस तरह से हमारा होस्ट नेम फाइंड किया जाता है कमांड प्रॉम्प्ट से, और आईपी एड्रेस कैसे देखा जाता है, मैक एड्रेस कैसे देखा जाता है, उसके बाद सर्विसेज कैसे चेक की जाती हैं, सिस्टम को जो है सिस्टम का स्पेसिफिकेशन यानी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे देखा जाता है, विंडोज़ की एक्सपायरी डेट कैसे पता की जाती है, ब्राउजिंग हिस्ट्री कैसे डिलीट की जाती है, या फिर आप कह सकते हो विंडोज़ जो हमारा रेगुलर अपडेट हो रहा है उसको कैसे डिसेबल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सारी चीज़ों को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे होस्ट नेम पता कर सकते हो। सिंपल होस्ट नेम टाइप करोगे तो आपको डेस्कटॉप का होस्ट नेम पता चल जाएगा। दूसरा है आपको मैक एड्रेस कैसे पता करना है, मैक एड्रेस गेट मैक, सिंपल गेट मैक करोगे तुरंत आपको मैक एड्रेस पता चल जाएगा। आईपी कॉन्फिग जैसे टैप करोगे आपको आईपी एड्रेस आपका पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कुछ चीजें जो मेरी प्राइवेट चीजें मैं उनको हाइड कर रहा हूँ क्योंकि आईपी एड्रेस वगैरह मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो मेरी प्राइवेट चीजें हैं। उसके बाद मैं चलता हूँ स्टार्ट सर्विस, नेट स्टार्ट करूंगा तो जो रनिंग कंडीशन में है मेरे कंप्यूटर में सर्विसेज हैं जो चल रही हैं इस टाइम पे वो दिखाई देगा यहाँ पे स्टार्ट सर्विसेज करने के बाद। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन कैसे देखते हैं। सिस्टम इन्फो, जैसे मैं सिस्टम इन्फो लिख के टाइप करूंगा तो मेरे कंप्यूटर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन इस कंप्यूटर को पता है वो सारी चीजें यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम क्या है, इसका वर्जन कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, कॉन्फ़िगरेशन कौन है, बिल्ड कौन है, उसके बाद रजिस्टर्ड कौन है यानी इसका नाम, ऑर्गेनाइजेशन यानी विंडोज वगैरह, ओरिजिनल इंस्टॉल डेट इसका क्या है, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम बूट टाइम कब है, मैन्युफैक्चरर कौन है, मॉडल क्या है, टाइप क्या है, प्रोसेसर क्या है, बायोस का वर्जन कौन सा है, विंडोज की डायरेक्टरी कौन, सिस्टम बूट, मतलब बहुत सारी चीजें आपके कंप्यूटर की जो डीप जानकारी होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से आप ये चीज पता कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप विंडोज के एक्सपायरी डेट को पता कर सकते हो। बेसिकली ये कमांड जो है सब कंप्यूटर में वर्क अच्छे से नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अभी जो है पहले की तरह विंडोज को अलग से नहीं दिया जाता है, यानी विंडोज को अब डायरेक्ट मदर बोर्ड में इंजेक्ट करके दिया जाता है जिसको पिनिंग शायद कहते हैं। तो अभी सीरियल नंबर का कुछ इशू नहीं है। अभी जो न्यू पीसी आ रहे हैं उनमें बहुत पहले के जो पीसी थे उनमें जो है लाइसेंस डालना पड़ता था, अभी पहले से सिर्फ विंडोज़ आपको इंस्टॉल करना होता है, वो ऑनलाइन ही एक्टिवेट हो जाता है आपके कंप्यूटर में। तो अभी क्या करेंगे हम जो है उसको चेक कर लेते हैं एक बार कि एक्चुअल में क्या मेरे कंप्यूटर में जो है विंडोज़ की एक्सपायरी डेट कुछ दिख रही है। अगर आप 7-8 यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये हो सकता है असल MGR, तो काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अब मैं सिंपल यहाँ पे तो कुछ मुझे मिलता नहीं है क्योंकि यहाँ पे पहले था OEM रिटेलर करके था, मैंने शायद वीडियो भी इस टॉपिक बनाया है तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि MS से रिलेटेड। फिलहाल तो विंडोज़ को काफ़ी बहुत ज़्यादा विंडोज़ को क्रैक यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे OEM रिटेलर की या फिर KMS से भी दिखाई देता है, तो मुझे उससे ज़्यादा खास कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस ये कमांड था जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एक्सपायरी डेट कब है। जैसे विंडोज 7 में आता है ब्लैक स्क्रीन तो आप उस डेट को पहले से ही चेक कर सकते हो कि विंडोज़ कब एक्सपायर होने वाला है बेसिकली इस कमांड से। बेसिकली अब हम देखेंगे कि हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट करेंगे। ओके, इसके लिए मुझे एक कमांड टाइप करना है INETCPL.CPL, एंटर करेंगे यानी जो हमारे कंप्यूटर में हमारा ये एक्सप्लोरर होता है जिसको हम एज ब्राउजर कहते हैं तो उसका जो है ये हिस्ट्री होता है ये दिखाई देगा। उसमें कौन कौन से वेबसाइट आप बेसिकली ऐड है वो देख सकते हो यहाँ से। बाकी जो है यहाँ पे आपको डिलीट पे प्रेस करोगे तो ये बता रहा है इंटरनेट की टेम्प्रेरी फाइल्स, कुकीज़, वेबसाइट हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, फॉर्म डेटा, पासवर्ड वगैरह आप डिलीट कर सकते हो। जो भी आपको डिलीट करना है उसको सेलेक्ट कर लो और सिंपल डिलीट बटन पर क्लिक करके हटा दो तो आपका जो है डेटा जो है ब्राउजिंग हिस्ट्री जो थी वो डिलीट हो जाएगी।
ओके तो अगर आप कोई टैब वगैरह इसमें करना चाहते हो तो वो सब चीज़ें सेट कर सकते हो, बाकी मुझे इसमें कुछ नहीं करना है तो मैं सिंपल अप्लाई क्लिक करके ओके कर देता हूँ। इसमें और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो तो उसको चेक कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, विंडोज़ की जो सर्विसेज होती हैं उनको हम कैसे बंद कर सकते हैं। जैसे हमारा विंडोज़ हमेशा अपडेट लेता रहता है, बार बार अपडेट आता है रोज़, उसमें डेटा ही जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, servicesdotmsc करके एंटर करेंगे तो क्या होगा, विंडोज़ की सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगी। जो सर्विसेज नाम से भी अगर आप विंडोज़ बटन प्रेस करके सर्विसेज लिखोगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट से कुछ इस तरीके से आता है, वही सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बोलोगे सब बहकार है अभी भाई, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम जो है इस चीज़ को इसके माध्यम से करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको एकदम बिल्कुल नीचे जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा अपडेट, विंडोज़ अपडेट, तो इस पर आपको सिंपल यहाँ पे देख लिया, पहले से ही ये अनेबल्ड रहता है ऑटोमेटिक, मैं सिंपल इस पर क्लिक करके इसको डिसेबल कर दूंगा तो क्या होगा, विंडोज़ ऑटोमेटिक अपडेट नहीं है फिलहाल, मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप डिसेबल करके अप्लाई करके ओके कर दोगे तो ये जो है डिसेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने विंडोज़ को डिसेबल कर लोगे तो आपका डेटा थोड़ा सा बच जाएगा। ओके मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ, ऑन रहने देता हूँ, मेरे पास डेटा है तो दिक्कत नहीं, मेरा विंडोज़ अपडेट होता रहेगा, तो अपडेट होता रहता है तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं वो ऑनलाइन ही फिक्स हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर जो है आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो उनके साथ वीडियो को शेयर कर दो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।